दोस्तों, इंसान हमेशा से जादुई शक्तियां पाने की इच्छा रखता आया है और इसी वजह से शक्तियां पाने के लिए लिखी गई हैं कई जादुई किताबें जो किसी न किसी तरीके की अलौकिक शक्ति पाने की पूरी विधि यानी कि रास्ता बताती हैं। आइए आज हम जानते हैं 5 ही ऐसी किताबों के बारे में जो असली में मौजूद हैं और जिन्हें अलौकिक शक्तियों की दुनिया में बहुत माना जाता है। आप देख रहे हैं नंबर 5, क्रीक के जादुई पेपर। सन 2 BC में लिखे गए ये पेपर कई सारे मंत्र और जादुई रीतियों से भरे पड़े हैं, जिनमें से कुछ है बिना सर वाले राक्षस को बुलाना, धरती की छुपी दुनिया के दरवाजे खोलना। ये किताब ये भी बताती है कि कैसे आप एक अलौकिक शक्ति को कभी भी अपनी मदद के लिए बुला सकते हैं। ज्यादातर मंत्र भविष्य जानने की शक्ति देना सिखाते हैं, जिनमें से एक बहुत ही प्रसिद्ध रीति में ये सिखाया जाता है कि कैसे आप एक बच्चे को ये शक्ति दे सकते हैं कि वो आग की लहों में भविष्य को देख पाएगा। नंबर 4, द ब्लैक बुलेट। 18वीं सदी के फ्रांस में लिखी गई ये किताब मूलतः जादुई ताबीज बनाना सिखाती है। ताबीज एक ऐसी चीज होती है जिन्हें अपने शरीर पर पहनने से या अपने पास रखने से किसी न किसी तरह की अलौकिक शक्ति आपके पास रहती है। इस किताब को नेपोलियन की आर्मी के एक ऑफिसर ने लिखा था, जिसे इसका ज्ञान सेना के इजिप्ट के दौरे के दौरान हुआ था। इस किताब में बहुत ही डिटेल यानी कि बारीकी से ब्रॉन्ज, स्टील, सिल्क और एक जादुई स्याही से ताबीज बनाने सिखाए गए हैं। इनमें से कुछ ताबीज जिन काबू में कर सकते हैं, जिन आग और धुएं से बना एक शक्तिशाली प्राणी होता है जो कोई भी ख्वाहिश पूरी करने की शक्ति रखता है। इनमें से कुछ ताबीज ऐसे भी हैं जिन्हें अगर किसी के शरीर में बांध दिया जाए तो सच बोलने के लिए मजबूर हो जाएगा। नंबर 3, आर्स आर्माडेल। ये किताब 17वीं शताब्दी में एक अनजान जादूगर द्वारा लिखी गई थी और इसमें मुख्यतः सिखाया गया है जमीन पर एक जादुई स्थल बनाना, जिसके द्वारा आप एंजल्स यानी कि देवदूतों से बात कर सकते हैं या फिर उन्हें अपने पास बुला भी सकते हैं। इस विधि के अनुसार आप अलग अलग शक्तियों वाले 4 एंजल्स को अलग अलग रीतियां करके उनसे मदद मांग सकते हैं। इस किताब में ये भी लिखा गया है कि किस एंजल को कब बुलाना चाहिए और उनसे किस तरह से बात करनी चाहिए, और ये भी बताया गया है कि वो दिखेंगे कैसे। जैसे कि तीसरा एंजल एक छोटी औरत के रूप में आता है जो हरे और सिल्वर रंग के कपड़े पहनी होती है। नंबर 2, पिकाट्रिक्स। पिकाट्रिक्स 11वीं शताब्दी में अरबी में लिखी गई एक जादुई किताब है, जिसमें ज्योतिष विद्या और ग्रहों और तारों की शक्तियों से किए जाने वाले जादुओं और मंत्रों की डिटेल है। ये किताब करीब 400 पन्ने की है, पर इसमें लिखी गई ज्यादातर विद्याएं उनमें लगने वाले अजीबोगरीब सामान के लिए जानी जाती हैं, जैसे कि खून, इंसानी दिमाग, चरस गांजा और लिवर। ये मंत्र और रीतियां अपने इंसानी शरीर को छोड़कर दिमाग की शक्तियां उजागर कर देती हैं। इसमें एक रीति ये है जिसमें भूत और पिशाच से लड़ सकने वाला शीशा बनाने के लिए आपको खून, स्पर्म, थूक, आंसू, मल और मूत्र लगेगा। नंबर 1, सूडो मोनार्किया डाइडोनम। ये किताब 16वीं शताब्दी में जॉन वायर द्वारा लिखी गई थी और राक्षसों के बारे में लिखी गई सबसे जादुई किताब मानी जाती है। इसमें 69 तरीके के राक्षसों के बारे में बताया गया है, उन्हें कैसे बुलाया जाए और क्या है उनकी शक्तियां, ये सब उसमें विस्तार से बताया गया है। जैसे कि नेब्रियस नाम का राक्षस कौवे के रूप में आता है और इंसान को हर चीज में कुशल और माहिर बना देता है। फोरस नाम का राक्षस खोई हुई चीजें और छुपे हुए खजाने ढूंढ निकाल सकता है। हगेंटी जो पानी को वाइन बना सकता है। शार्क्स जो लोगों की सुनने और देखने की शक्ति छीन सकता है। और एलिगोस जो किसी भी लड़ाई का परिणाम पहले से ही बता सकता है। तो दोस्तों, अगर आपके हाथ ऐसी कोई किताब लग जाए तो आप क्या करेंगे? नीचे कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक भी करें। साथ ही साथ ऐसे अद्भुत वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले रहस्यमय वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।